देते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि खेतों का ही अगर उन्होंने इस्तेमाल करना है तो आप लोग हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर्स का काम कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पे ऐसा आदमी घूम रहा है जो कि इस इलाके का नहीं है, वो आप हमसे ज्यादा उसको जानेंगे, तो आपको तुरंत इस चीज की खबर हमें देनी है। बात आती है बॉर्डर एरिया के भी बॉर्डर की, तो वहां ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर नशा अपने पैर पसारने लग गया तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध लग जाएगी। देखो, गंगानगर कस्बे में कोई आदमी नशा कर रहा है, सूरतगढ़ में कोई नशा कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वो उसको नुकसान है, उसके परिवार को नुकसान है, समाज को नुकसान है। यहां पर अगर है तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को नुकसान है। उसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साहब के साथ मिलकर और कलेक्टर साहब के विजन के अंतर्गत ये कार्यक्रम सोचा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर में जितनी भी पंचायतें हैं उन सभी पंचायतों में जाकर हम इस प्रकार का कार्यक्रम करें, लोगों को बताएं। और देखो, हम ये इस कार्यक्रम की संकल्पना जो है वो ये है, अगर आप देखें कि इसमें हम सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें बीएसएफ भी ऑर्गेनाइज करने में है, डीएम साहब, पूरा प्रशासन, पुलिस, सीआईडी जोन, बॉर्डर होम गार्ड, सभी लोग मिलकर आयोजित कर रहे हैं। और हमारा इस कार्यक्रम का जो एक मूल संदेश है कि भाई आप में और हम में फर्क केवल इस वर्दी का है, बाकी हम भी उतने भारतीय और आप भी उतने भारतीय जितने कि हम भारतीय। इसका मतलब कि आपकी जिम्मेदारी भी देश के प्रति उतनी है जितनी हमारी है। आप लोगों को हम ये आह्वान करने आए, ये हम कहने आए हैं कि आप लोगों को और थोड़ा सतर्क रहकर काम करने की जरूरत है।